हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी एंड आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ। आज आपको देने वाला हूँ पूरे हॉस्पिटल का टूर एंड दिखाने वाला हूँ कि हॉस्पिटल में क्या क्या एक्टिविटी रहती है, पूरा दिन कैसे गुजरता है। तो शुरू कर रहे हैं हम घर से। ये मेरा डॉग है जिसका नाम है कैपी एंड एक एक करके दिखाऊंगा कि पूरे दिन क्या एक्टिविटी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यूजुअली दिन की शुरुआत होती है करीब 7-7:30 बजे एंड उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, फिर अच्छे से हैवी ब्रेकफास्ट करना क्योंकि लंच का कोई टाइम नहीं हो पाता, अक्सर भीड़ हो जाती है। तो लंच शाम को ही होता है, 5-6 बजे करीब लंच होता है। एंड अभी जाके सबसे पहले उन पेशेंट्स को देखेंगे जिनका ऑपरेशन कल करा था। सारे पोस्ट ऑप आ गए होंगे, रेडी होंगे। सुबह मेरे करीब 16 ऑपरेशन हैं जिसमें कुछ C3R के ऑपरेशन हैं, कुछ कैटरैक्ट्स हैं, कुछ कंट्यूरा हैं एंड शाम को करीब 12 ऑपरेशन है। तो आज का दिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट है। सो आई थिंक इट इज़ एन ऐप डे कि हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। यहाँ से हॉस्पिटल का रास्ता इज समवेयर अराउंड 15 मिनट, बट डिपेंड करता है कि जाम ना लगाओ। सो ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये वाली जो बिल्डिंग है इधर की, ये सारा हमारा किड्स वाला हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे सारे बच्चों का काम होता है क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है एंड इस वाली बिल्डिंग में सारा हमारा एडल्ट्स का काम होता है। तो आइए अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या चल रहा है। दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर एंड अभी जो पेशेंट्स आए हुए हैं वो सारे वो पेशेंट्स हैं जिनको कल हमने ऑपरेट किया था एंड करीब 11 बजे जो OPD पेशेंट्स हैं वो आना शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस तो आई थिंक 4-5 पोस्ट ऑफ पेशेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी जिनका कल ऑपरेशन करा था एंड कल हमने करीब आई थिंक 30-32 पेशेंट्स का ऑपरेशन करा था। तो अभी रास्ते में ही होंगे, थोड़ा ठंड के चक्कर में पेशेंट्स भी लेट आते हैं। तो पहले इन 4 पेशेंट्स को देखेंगे एंड फिर अपना OT को शुरू करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं OT एंड पहले शुरू कर रहे हैं कैटरेक्ट और फिर शुरू करेंगे कंट्यूर ऑपरेशन। बस अब वॉश हो रहे हैं और रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन करेंगे। तो अभी हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं कैटरेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल मैं, डॉक्टर पवन एंड डॉक्टर गौरव हम लोग शुरू कर रहे हैं एंड उसके बाद जब हमारे फिनिश हो जाएंगे तो अगेन नेक्स्ट डॉक्टर्स की टीम जो है वो अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशंस सारे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड फेमटो लेज़र ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी। तो आप देख सकते हैं अभी डॉक्टर पवन कर रहे हैं ऑपरेशन एंड उन डॉक्टर पवन के बाद मैं अपने पेशेंट्स के साथ स्टार्ट करूँगा। एंड ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होती है। इस टेक्नोलॉजी में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज ऑपरेशन करा, अगले दिन से पेशेंट की नज़र बिल्कुल साफ़ हो जाती है और एक हफ्ते बाद पेशेंट अपने सारे रोज़मर्रा के काम शुरू कर सकता है। सो आप ये देख सकते हैं मशीन अभी पेशेंट की आँख पर पूरी तरह से डॉक हो गई है और बस अब पेशेंट को कुछ नहीं करना, सारा काम जो है मशीन करती है एंड बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ करती है। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं ये मशीन हमें सारा गाइड कर रही है कि मोतियाबिंद में ओपनिंग कहाँ पे बनेगी, कटिंग कैसे होगी, लेंस को कितना काटा जाएगा एंड बस अब लेज़र रेडी है एंड लेज़र इमिशन स्टार्टेड। एंड आप देख रहे हैं ये सारा लेज़र मोतियाबिंद को घोल रहा है, ओपनिंग बना रहा है और इस सारे से हम मोतियाबिंद के रिजल्ट्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। राइट सिस्टर जी? राइट, सिस्टर जी भी कह रही हैं यस। सो राजेश्वरी सिस्टर इज़ द हेड सिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सारा वो देखती हैं कि हर चीज़ बिल्कुल टिप टॉप हो, सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहे हैं, सारी स्टरलाइजेशन मेंटेन हो रही है ताकि कहीं भी किसी तरह की कमी ना आए। डन, बहुत अच्छा हो गया।
राइट, सो बहुत अच्छा हो गया। एंड अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ऑपरेशन, तो आपको अगेन वापस जा रहे हैं फेमटो वाली ओटी में, जहाँ पे एआई से स्टार्ट करेंगे एंड दूसरी ओटी में आके लेंस डालेंगे। सो नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं हम डॉक्टर यादव का। वेरी नाइस, कोई दर्द तो नहीं हुआ? नहीं सर। वेरी गुड, तो बस अब आपका आपके होते हैं क्या दर्द? तो बस अब आपका करीब 2-3 घंटे में नज़र थोड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा, कल तक बहुत साफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। वेरी नाइस। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर गौरव कक्कर, हु इज़ कैटरैक्ट एंड पीडियाट्रिक ऑप्थमोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। एंड अभी आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, बच्चे का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, कैटरैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों में होता है, बच्चों में भी हो सकता है। एंड बच्चों में भी सेम ही इलाज करा जाता है, लेंस को निकाल के एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। सो बस अब आज का लास्ट कैटरैक्ट केस शुरू करने वाले हैं। एंड आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो हम कैटरैक्ट ऑपरेट करते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, सेंचुरियन मशीन, वेरियन मशीन, लेंस एक्स मशीन, AI मशीन्स, IUL मास्टर, लेंस स्टार, इन सब के मदद से हम बिल्कुल परफेक्ट सर्जरी को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है मैम, बहुत अच्छा हो गया आपका, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, चलो बहुत अच्छा। एंड अब जा रहे हैं वापस OPD फ्लोर में, काफ़ी सारे पोस्ट ऑफ जिनको कल हमने ऑपरेट करा था वो सब आ गए होंगे, उनको चेक करके फिर अब शुरू करेंगे कंट्यूरा की OT। तो सुबह 10 कंट्यूरा केसेस लाइंड हैं और उसके बाद हमने कुछ केरेटोकोनस के ऑपरेशन भी करने हैं एंड फिर उसके बाद हम OPD में बैठ जाएंगे। तो बस अब कंट्यूरा शुरू करते हैं एंड कंट्यूरा का OT हमारे 3rd फ्लोर पे है और वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो दिखाता हूँ सारा कैसे चलता है। केस खत्म हो गया है एंड सुबह की कंट्यूरा OT हम खत्म कर चुके हैं। तो बस अब OPD शुरू कर रहे हैं एंड OPD में ऑलरेडी काफी सारे पेशेंट्स इकट्ठे हो गए हैं। पहले कल के जो पोस्ट ऑप्स है उनको देखेंगे एंड फिर बाकी पेशेंट्स को देख लेंगे। काफी सारी फाइलें इकट्ठी हो गई हैं, बस एक एक करके सबको शुरू करते हैं, सबको चेक करते हैं। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स देख लिए हैं, बस सेकेंड लॉट पेशेंट्स का रेडी हो रहा है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल का टूर देता हूं एंड फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर भी थोड़ा सा दिखाता हूं और किड्स वाला सेंटर भी थोड़ा सा दिखाता हूं। तो चलिए मेरे साथ साथ चलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्पेशलिटी OPD है, रेटना की, ग्लूकोमा की, ओक्युलोप्लास्टी की, ये सब स्पेशलिटी OPD हमारी फर्स्ट फ्लोर पे है। एंड प्लस जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो भी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है। तो एक छोटा सा क्विक राउंड देता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर का और फिर हम चलते हैं पीडियाट्रिक वाले सेंटर में। सो यहाँ पे डॉक्टर पवन है, वो द सीनियर रेटना डॉक्टर, डॉक्टर संध्या है, वो अगेन अ सीनियर रेटना डॉक्टर एंड ये सारा ड्राई आई लैब है। और मैं आपको लेके चलता हूँ किड्स वाली बिल्डिंग में। सो ये जो हमारा सेंटर है किड्स वाला, दिस इज ओनली वन इन इंडिया। इस टाइप का सेंटर पूरे इंडिया में कहीं नहीं है जहाँ पे सारे किड्स वाला काम होता है। एंड इस पर थोड़ा सा हमने डिज़ाइन भी बहुत स्पेशल तरीके से करा है कि बच्चे कंफर्टेबल हो सेंटर में, बच्चे घबराए ना हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। सो दिस इज़ द किड्स सेंटर, दिस इज़ द ऑप्टो रूम जहाँ पे चेकिंग होती है, देन डॉक्टर चेक्स। ये थोड़ा सा प्ले एरिया है बच्चों का खेलने के लिए। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि दिस इज़ हाउ वी आर ऑर्गेनाइज्ड। एंड हमारे ग्राउंड पे बेसिकली पैनल, फार्मेसी, ऑप्टिकल्स, लैब एंड बाकी TPA बिलिंग एंड ऑपरेशन थिएटर्स ग्राउंड पे है। फर्स्ट इज़ बेसिकली स्पेशलिटी, तो रेटना, ग्लूकोमा, ऑक्यूप्लास्टी सारा यहाँ पे है।
सेकंड पे इज माई फ्लोर जहाँ पे हम कॉर्निया, चश्मा हटाने के ऑपरेशंस, केराटोकोनस, इन सबको चेक करते हैं, प्रोस्थेटिक आई वगैरह। एंड थर्ड फ्लोर पे बेसिकली हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, लेसिक ऑपरेशन थिएटर्स एंड कैफेटेरिया है। तो अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे एंड वहाँ पे कुछ केराटोकोनस के ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हैं, सुबह से पेशेंट्स आए हुए हैं, थोड़ा सा डिले हो गया है, तो फटाफट उन ऑपरेशन को करके दोबारा बैठेंगे ओपीडी में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल केराटोकोनस का इलाज सिंपल C3R से नहीं करा जाता, आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। पहले लेज़र से पुतली को थोड़ा सा शेप देते हैं जिसको हम कहते हैं TCAT प्रोसीजर, और फिर उसके बाद हम C3R प्रोसीजर को करते हैं। तो इस ऑपरेशन में TCAT वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ एंड C3R वाला पार्ट मेरी हेल्प कर रही हैं डॉक्टर गुंजन। तो मैं ना आपको थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहता हूँ कि लेसिक ओटी में क्या क्या गैजेट्स लगे होते हैं जिससे हम लोग एनवायरनमेंट को बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UPS है एंड ये सर्वर है जो मशीन से कनेक्टेड होता है जहाँ पे सारा डाटा होता है। एक हमारे पास डीह्यूमिडिफायर होता है और एक ह्यूमिडिफायर होता है, अभी दिखाता हूँ ह्यूमिडिफायर को भी। तो बेसिकली ओटी की जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में मेंटेन करना होता है जिससे लेज़र के रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट आए। ये जो आप देख रहे हैं ये एयर प्योरीफायर है, लेकिन ये वो एयर प्योरीफायर नहीं है जो घर में लगा होता है, इसके अंदर एक यूवी लैम्प होता है जो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूवी लाइट की हेल्प से किल कर देता है। यहाँ पे हमारा 3D TV है, तो कुछ लोगों को अगर सिखाना हो कि ऑपरेशन वगैरह कैसे होता है तो 3D गॉगल्स पहन के 3D TV में हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मशीन जो है ये बेसिकली हेपा फिल्टर है, अगेन एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, और इसके पीछे जो छोटा सा पड़ा है ये ह्यूमिडिफायर है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UPS है बाकी मशीन्स के, एंड दिस इज द कंट्यूरा स्वीट जिसके बारे में मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। केराटोकोनस के ऑपरेशन करके वापस ओपीडी में आ गए हैं एंड दोबारा पेशेंट्स को देखना शुरू कर रहे हैं। तो बस अब शुरू कर रहे हैं शाम की कंट्यूरा ओटी, एंड शाम को हमारे पास करीब 14-15 केसेस हैं जो रफली हम लोग 3-4 घंटे में ख़त्म कर देंगे एंड वी कॉल इट अ डे। उसके बाद घर जाके रेस्ट करेंगे एंड विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे टुमारो। सो बस अब आज का लास्ट प्रोसीजर कर रहे हैं एंड इट्स बीन एन एक्साइटिंग डे। एक्चुअली सर्जन होना वैसे ही बहुत एक्साइटिंग चीज़ है क्योंकि एवरी डे आपको लाइफ में नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए लोगों से आप मिलते हैं जिनके प्रॉब्लम होती है, और जब उस प्रॉब्लम का सलूशन होता है तो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग फीलिंग आती है विच आई थिंक नो अदर प्रोफेशन कैन गिव यू। कि जो एक आंखों के डॉक्टर को सेटिस्फैक्शन मिलती है ना जब किसी को वो रोशनी देता है, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड बस ऐसी ही रूटीन रहती है रोज़ की, कभी थोड़ा सा हैवी हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है। आज का दिन कंपैरेटिवली कंफर्टेबल था, कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो रात के 2-3 भी बज जाते हैं काम ख़त्म करते करते, बट आई इन्जॉय माई वर्क। कभी भी थकता नहीं हूँ काम करते हुए, बिकॉज जितना ज़्यादा काम करता हूँ उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है मुझे, एंड आई लव डूइंग व्हाट आई डू। So thank you very much and I'll see you in the next video. Subscribe to my channel. नए नए updates डालता रहूँगा, नई नई technologies के बारे में बताता रहूँगा and thank you so much. बच्चे सामने देखते रहो, शाबाश, बहुत अच्छा हो गया, बस ख़त्म कर रहे हैं।